फुल कंट्रोल फुल एक्शन में सीएम योगी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, विरोधी पस्त हो गए और दोनों डिप्टी सीएम गायब हो गए। जी हाँ, बता दें कि योगी आदित्यनाथ के एक्शन से पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया, पूरा दिल्ली हिल गया। लखनऊ में सीएम योगी ने ऐसा क्या किया कि हर विरोधी पस्त होकर गिर गया। केशव चुनाव में लग गए, पाठक भी योगी के सामने झुक गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? दिल्ली की लड़ाई में योगी ने कैसे प्यादों को हराया? बीजेपी को कैसे संभाला? बीजेपी में योगी ने कैसे प्यादों को हराने के बाद बागडोर संभाल ली? चलिए हम आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या योगी ने ऐसा कुछ कर दिया जो कोई नहीं कर पाता? बीजेपी में कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने का तूफान आखिर कैसे थम गया? आखिर लखनऊ में होने वाली मीटिंग की लामबंदी कैसे हो गई? कहानी सुनने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो मोदी और शाह के पास भी नहीं है। केशव जो योगी को हटाने का सपना देखते थे, उनको आखिर योगी को बनाए रखने का सपना कैसे आ गया? योगी जब दिल्ली से लौटे थे, उसके बाद लखनऊ में उनसे एक सीनियर पत्रकार की मुलाकात हुई थी। पत्रकार को उन्होंने एक शब्द में पूरी कहानी बता दी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महाभारत खत्म हुई, अब किरदार में राम लक्ष्मण की एंट्री होगी, लेकिन इसके आगे वो कुछ और नहीं बताते हैं। फिर राम और लक्ष्मण आखिर कौन हैं और किस ओर इशारा था? क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है और योगी को पूरा कंट्रोल मिल गया है? ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को फटकार लगी थी, डांट लगी थी। कहा गया था कि अगर आप दोनों ऐसा फिर से करते हुए पाए गए तो आपको पार्टी भी छोड़नी पड़ सकती है। योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों को पस्त करने के लिए कुछ भी खास नहीं किया। लखनऊ में एक सीधी फाइल जाती है, उस फाइल में क्या था ये किसी को नहीं पता, लेकिन फाइल लखनऊ पहुंचते ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य को भी फटकार लग जाती है। सूत्र ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक रिपोर्ट लेकर गए थे, वो रिपोर्ट मोदी और शाह के हाथों में देकर आए। दोनों डिप्टी सीएम के काम की रिपोर्ट के बाद योगी दिल्ली से लखनऊ लौट आए थे, इसका असर भी देखा गया। दिल्ली से लौटते ही डिप्टी सीएम पाठक ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय पर एक्शन लिया, कई ताबड़तोड़ फैसले भी किए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उसके बाद नेताओं और पार्टी विधायकों से मुलाकात अचानक बंद कर देते हैं। दोनों नेता योगी की टीम में शामिल हो जाते हैं और पार्टी को उपचुनाव जिताने की तैयारी में लग जाते हैं। राजनीतिक पंडित की माने तो वो कहते हैं कि योगी अपने काम के दम पर बीजेपी की इंटरनल लड़ाई जीत गए। दिल्ली में योगी को एक नमूना दिखाया गया था, लेकिन योगी ने फिर मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट का फैसला लागू कर दिया था, जिसके बाद हिंदू एक साथ आ गए। और फिर योगी आदित्यनाथ ने हाईकमान में ये समझाया कि हमें जाति की लड़ाई नहीं करनी है, हमें धर्म पर बात करनी है। और ये बात मोदी और शाह को समझ भी आ गई। बीजेपी का कंट्रोल योगी के पास आते ही तय हो गया कि उनके विरोधियों को टिकट नहीं मिलेगा। सबसे बुरी हालत हुई है बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, जो एकदम से स्क्रीन से गायब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि सभी विरोधियों को पार्टी की तरफ से आदेश मिला है कि योगी ही यूपी के भविष्य होंगे।
यूपी की हालत ऐसी है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जब खुलकर योगी का विरोध किया जा रहा था सभी के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ योगी के ही हित में खड़ी थी, क्योंकि योगी को देखकर ही जनता ये मानती है कि जिस दिन योगी पीएम बनेंगे उसी दिन देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। फिलहाल ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।